वाइट शॉर्ट भी लगा दी, फ्लेयर गन भी लगा दी, फूल चड़ी भी लगा दी। इसका था हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी ब्लॉग्स। तो गाइस ये देखो सुबह से मौसम कैसा हो रहा है, सुबह से बारिश हो जा रही है। और गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हो चुके हैं निक्कू के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो भी निक्कू को मैंने कांग्रेचुलेशन, काफी बड़ा माइलस्टोन उसने काफी कम टाइम में कंप्लीट किया। तो भी निक्कू के पास चलते और उसको सरप्राइज देते। उसको मैंने बताया नहीं कि मारा मस्त ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, स्काई शॉट वगैरह, स्पार्कल गन्स, काफी चीजें लेके चलेंगे। अभी मैं चलता हूँ अंदर, पहले खाना पीना खा लेता हूँ और फिर चलते हैं निक्कू के पास। जब तक खाना आता जब तक डेविल को खोल के ले आते हैं। सो गाइस डेविल को तो खोल दिया और अभी मम्मी के साथ लुकम छुपाई खेल रहा है वही वो। कहाँ मम्मी? मम्मी के पीछे पीछे घूम रहा है डेविल। मम्मी, मम्मी कहाँ? आ गई मम्मी, आ गई वो री। भाग जा, भाग जा डेविल। सो इस डेविल के साथ तो खेल लिया और खाना आ चुका। अभी खाने में है रोटी, शाही पनीर, दही और सैलेड। तो अभी जल्दी से खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद बात करते हैं आपसे। सो गाइस खाना पीना तो खा लिया था, अभी चलते केक की दुकान पे केक वगैरह लेने और सारा सामान लेने। पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो जा रही है, देखते हैं कि सेलिब्रेट कैसे करें। मैं तो सोच रहा था कि गली में मस्त स्काई शॉट वगैरह लगा के करें। सो गाइस केक की शॉप पे तो आ चुके हैं। तो गाइस ये देखो केक तो करा दिया डन, बाकी सामान और ले लेते हैं। सो गाइस सारा सामान तो ले लिया था हमने, इसमें केक है, ये देखो 1 मिलियन का बलून ले लिया, इसमें स्काई शॉट और ये गन आपने देखी होगी स्पार्कल गन, इसमें से मस्त स्पार्कल निकलता भाई। तो भी वेट कर रहे थे महिंद्रा के बाहर, निक्कू अपनी गाड़ी देखने गया हुआ भाई जो 26 तारीख को आएगी। और जैसे ही वो आ जाता है आपको मिलवाते हैं और भाई केक कट करते हैं, जल्दी से सारा सेलिब्रेशन आपको दिखाते हैं। फिर गाइस विवेक आया केक लेके। आज तो भाई पूरे दिन से बारिश हो रही है, बारिश में केक वेक काटा जा रहा है। ओ भाई भाई इतनी जल्दी हो गए तेरे 7 ही महीने में हो गए, कसम से तेरे ही देखे मैंने इतनी जल्दी ग्रोथ होते हुए। भाई अभी बीक चुके हैं भाई, अभी चलते घर पे, सेलिब्रेशन तो हो चुका है। चल ठीक है भाई निक्कू, ठीक है भाई, बाय। ओके भाई, ओके चाचा बाय। अभी चलते सीधा घर पे भाई, पहले कपड़े चेंज करने पड़ेंगे है ना। ऐसा लग रहा है जैसे बाथरूम में से नहा के सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आ चुका हूँ घर। अभी निक्कू के 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके, मेरे भी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कराओ। अच्छा अभी मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ फिर बात करते हैं आपसे। सो गाइस कपड़े तो चेंज कर लिया भाई, सारा भीग गया था मैं ऐसे सूख गया भाई, एसी के अलग अलग ये सारा सूख गया भाई। पर इसका घर दूर है वरना इसके भी कपड़े चेंज करा लेते। अभी चलते हैं गोलू के पास उसे लेने। गोलू भी ये खड़ी खुल गया। तो गाइस अभी जा रहे फ्लैट पे और ये इसके फांसी लग चुकी थी, इतनी गंदी शकल लेके घूमने के जुर्म में। सो गाइस फ्लैट पे तो आ चुके और बारिश भी थोड़ी सी कम हो चुकी है भाई। तो गाइस फ्लैट पे पहुंचते मेरे पास भाई की कॉल आ गई थी, तो यार मेरे को वापस जाना पड़ा भाई को एयरपोर्ट लेने। गाइस भाई को तो मैं घर पे छोड़ के आ चुका हूँ। गोलू कहाँ है? गोलू ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। ये तेरा डियर है, चम्मच थोड़ी है वो, चिल्ली का डिब्बा थोड़ी है, वो तो यहाँ ढूंढ रहा है उसने। तो भाई गोलू को तो ढूंढ लिया था, एक काम कर बाहर आ एक बार तो ना। हाँ। टाइम देख क्या हो रखा है, टाइम पूरे 1 बज गए ना। हाँ, पूरा पूरा 1 बज गया। क्या हुआ? गोलू के साथ प्रैंक करे। क्या प्रैंक करेगा? बेसमेंट में भेज देते हैं उसे और मैं ब्लूटूथ स्पीकर लाया हुआ हूँ, उसे बेसमेंट में लगा देंगे और उसमें हॉरर साउंड बजा देंगे। पर बेसमेंट में कैसे जाएगी वो? बेसमेंट में अभी जोमेटो वाला आएगा ना। हाँ। तो उसे ग्राउंड फ्लोर पे बोल देंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे जा और ग्राउंड फ्लोर का कैंसिल करके बेसमेंट का दबा देंगे। देख ले भाई बेसमेंट भाई बहुत डरा, इस टाइम पे 1 बज रहा है भाई, भाई मजा आएगा भाई। ये रो पड़ेगी यार, क्यों तू वो कर रहा है? ये तेरा आइडिया सारा, ठीक है मेरे ऊपर डालेगा, तेरा ही आइडिया है यार, क्यों लड़ाई करवा रहा है? तेरा आईडिया है। चल मैं ब्लूटूथ स्पीकर उठा लेता हूँ। तो भी ब्लूटूथ स्पीकर तो मैं ले आया, उसका क्या हाल होगा अकेले का? तो भाई इस बेसमेंट में कैमरा और ब्लूटूथ स्पीकर दोनों चीजें लगा दी हैं। वे किधर है? इधर इधर
मैं उसको बोल देता हूँ कि जोमेटो का वो खाना लिया और उसे नीचे भगा दूंगा जल्दी से। तू काम वाम लग जा वरना बोल देगी तू लिया। गोलू नीचे जोमेटो वाला आ गया, खाना ले आएगी? तुम ले आ जाके। अरे यार एक बजा हुआ है, अकेले डर लगेगा। साथ चलेगी? आ जा। काफी देर होगी उसे वेट करते हुए। भाई ये तो बेसमेंट में जाएगी अब सीधा। भाई बेसमेंट में जाके रुक चुकी है, अब नीचे वाले कैमरे उसका रिएक्शन देखते। भाई भाई काफी टाइम हो चुका उसे गए हुए, मेरे को तो लग रहा बेहोश होगी। है ना इसका था ना, मेरे साथ है, मेरे साथ है, तेरा नाम लेंगे हम तो। भाई क्या हुआ? तूने मेरे को ग्राउंड फ्लोर में भेजा था, बेसमेंट में कैसे ली लिफ्ट? तो इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा हो रही बात है, नीचे को स्पीकर रखा हुआ, किसी ने उसमें से इतनी ड्राउनी ड्राउनी आवाज आ रही थी, मेरे को सर फट गया। ओ भाई रोने लग गई है तो सुन गोलू। अरे रो मत यार, सुन सुन सुन, ये सारा प्लान था विवेक का और स्पीकर भी इसी का। किसका था मोहित? इसका था। अरे ओए उठ उठ उठ, तू पागल है क्या? तुम लोग पागल हो। तो ये क्या मतलब है यार? अरे ठीक है, अरे रो मत, चल तू बाहर चल, इधर आ इधर आ, रो मत बाहर चल तू। तुम लोग मेरी शादी क्यों करते हो यार? देख रहा भाई ये तो लग जाता है, देखियो सारा चूर चूर हो गया। अरे यार इतना गुस्सा है तो मजाक में दोनों ही सीरियस हो गए। तो गाइस इनका तो मजाक में ज्यादा झगड़ा हो गया भाई, अभी इनका सोल्व कराते हैं। गोलू खड़ी हुई इधर। तो भाई दोनों को काफी देर समझाया, अभी भी नाराज हो गया एक दूसरे से? नाराज वाली कोई बात नहीं, ना तो मेरी कुछ गलती थी और मेरे को नहीं लगी भाई किसी से बात। मेरी क्या गलती थी? तुम लोग हमेशा मेरे पे प्रैंक करते हो भाई, मेरे को नहीं गलती है, अपना देख लो ठीक है। अरे सुन गोलू, ये इतना और रिएक्ट क्यों कर रहा है यार? मुझे पता है क्या फील हो रहा था नीचे, तुम लोग मेरे ऊपर ऐसे प्रैंक करते हो यार। सिंपल सी बात है, प्लान इसका था, इसने मेरे ऊपर डाल दिया। तो सही में उसकी गलती नहीं थी, मैंने और मोहित ने मिलकर उसे फंसा दिया था। तुम्हारी गलती थी, उसे क्यों सुनवाए बेचारे को? विवेक इधर आ यार, विवेक लगी तो नहीं ना यार, नहीं लगी तो नहीं है बट फिर भी यार लग जाती यार। मैं और मोहित तो बच गए, ये बेचारा फंस गया। गोलू कैसा लगा हमारा प्रैंक? तो गाइस इनका तो सोल हो चुका है यार, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने चलते हैं। क्या प्लान है? चले कहीं कैंपिंग करने चले पहाड़ों में। हाँ चले मार नहीं रहा मैं। तो गाइस अभी सारा अभी कब मारा था अभी ये तक ये मारने लगी। चला पूरा हो गया। तो गाइस सारी बातें तो सोल हो चुकी है, अभी चलते भाई कैंपिंग करने पहाड़ों में, मस्त मजा आएगा। कूड़े वाले एक कूड़ा तो ले जा, कूड़ा ले चल वाला, चल कूड़े इसको भी डिग्गी में डालो, डिग्गी में डालो इसको। गाइस घर से तो निकल आए थे पूरी तैयारी के साथ, गाड़ी चलाते वक्त नींद आ रही थी, अभी रुके हैं होटल पे, अभी चाय वाय पी के चलते हैं। तो गाइस बाय कर दो, इस व्लॉग को एंड करते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में कैंपिंग करते टाइम पहाड़ियों पे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम्हारे भाई का चैनल है अलबाजी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।